नमस्कार मित्रों, आज हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते हैं, जो कला के महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाश्चात्य कला संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, अपोलो एंड डेफिनी किसकी मूर्ति है? तो विकल्प नंबर 1 है बर्निनी, डोनाटेलो, मसेच्चियो, पाओलाचेलो। तो इसमें जब हम गौर फरमाएंगे तो हमें प्रश्न ध्यान से देखने पर हमें मालूम होता है कि अपोलो एंड डेफनी की मूर्ति के मूर्तिकार हैं बर्निनी। अपोलो एंड डेफनी मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार हैं बर्निनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है एंग ओमेन विद वाटर जग किस चित्रकार की कृति है? एंग ओमेन विद वाटर जग किस चित्रकार की कृति है? तो इसमें आप देखेंगे यंग ओमेन विद वाटर जग विकल्प दिए हैं जॉन वर्मियर, दूसरा फ्रांझाल, तीसरा विकल्प मीरो, चौथा विकल्प है पीटर पाल रूबेंस। तो आप बताएं इसमें कौन सा होगा, कौन सा विकल्प हो सकता है, थोड़ा गेस करें। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 है जॉन वर्मियर। जॉन वर्मियर इसका सही उत्तर है। पहले का था बर्निनी, इसका है जॉन वर्मियर। नवशास्त्रीयतावादी कलाकार चित्रकार का नाम बताइए। तो नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताएं तो पहला विकल्प है जेरी कार्ट, दूसरा है डोमियर, तीसरा डेविड, चौथा है ब्रगेल। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार थे डेविड। डेविड नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार हैं, डेविड हैं नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार। उसके बाद है एमिल नोल्ड की आधुनिक कला आंदोलन संबंधित है। एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो विकल्प नंबर 1 है भविष्यवाद से, बी है घनवाद से, सी दादावाद से, जर्मन अभिव्यंजनवाद से। तो एमिल नोल्ड का संबंध जो है जर्मन अभिव्यंजनावाद से है। जर्मन अभिव्यंजनावाद, एमिल नोल्ड का संबंध किससे है? जर्मन अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो विकल्प नंबर 1 है माइकल एंजेलो, बी है दुसा, तीसरा रोडिन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। द किस बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है, प्रश्न में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार का नाम आप लोग बताएं क्या हो सकता है? तो किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार का नाम है रोडिन। क्या नाम है? रोडिन। किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार का नाम है रोडिन। अब अगला प्रश्न नंबर 6 है जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो जंगलवादी चित्रकार का नाम विकल्प नंबर 1 ब्राक, 2 सेजान है, सी मोने, डी मॉटिस। तो आप लोग जानते होंगे जंगलवादी या फाववादी चित्रकार का नाम क्या है, उसे फाववाद कहते हैं। तो जंगलवाद चित्रकार का नाम क्या हो सकता है? इसका होगा मॉटिस, हेनरी मॉटिस। हेनरी मॉटिस जंगलवादी चित्रकार थे। अब अगला चीज है दो वकील किसकी कृति है? दो वकील में विकल्प नंबर 1 धोमी, बी ब्रॉक, सी कैरावेजियो, डी मोने। दो वकील कृति किसकी है? तो आप सब लोग जानते हैं धोमी जो थे व्यंग्य चित्रकार थे, इन्होंने कई चित्र ऐसे बनाए जो व्यंग्यात्मक हैं। तो इसमें दो वकील जो है इनकी रचना
इन्हीं की रचना थी, तो धूमी इसका सही होगा। दो वकील चित्रकार किसके हैं? धूमी की। अगला प्रश्न है, अगला जो है फ्रांज मार्क किस वाद से जुड़ा है? फ्रांज मार्क दादावाद, सुपरमैटिज्म, नव प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। फ्रांज मार्क किससे संबंधित है? तो फ्रांज मार्क का संबंध दादावाद, सुपरमैटिज्म, नव प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। तो इसका विकल्प होगा नौ ए सॉरी इसका विकल्प होगा अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद सही है। फ्रांज मार्क किस बात जुड़े हैं? अभिव्यंजनावाद से, अभिव्यंजनावाद से। अभिव्यंजनावाद किससे जुड़े हैं? अभिव्यंजनावाद से। लिविडो थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई? लिविडो थ्योरी ब्रूनो ब्रेंतो से लिखी गई है। ग्रोम रिक ने लिखा है, हीगल ने लिखा है, सिगमंड फ्रायड। आप लोग बताएं, लिविडो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई है लिविडो थ्योरी? लिविडो थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका इसका उत्तर है, लिविडो थ्योरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर आप लोग बताएं क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने लिविडो थ्योरी के बारे में वर्णन किया है, उसके सिद्धांत लिखे हैं। इस तरह विलियम ब्लेक किस बात से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएं। इसका विकल्प एक है रोमांसवाद, विकल्प दो नवशास्त्रीयतावाद, सी प्रभाववाद, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें विकल्प में आप देखेंगे तो रोमांसवाद भी है, नवशास्त्रीयतावाद है, क्या हो सकता है, प्रभाववाद भी है। तो इसका विकल्प आप लोगों को जानकारी होगी कि इसका विकल्प होगा रोमांसवाद। रोमांसवाद थे, विलियम ब्लेक रोमांसवाद के कलाकार थे। तो इस तरह के 10 छोटे प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसको सरल भाषा, पाश्चात्य के सरल सरल क्वेश्चन होते हैं जो TGT में आते हैं। पाश्चात्य में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, छोटे क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन TGT में आते हैं, कॉमन कॉमन क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। सरल क्वेश्चन से ही गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको अत्यधिक गहराई पढ़ने के बाद सरल क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे, पर कॉमन क्वेश्चन थे। इस तरह ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, इनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अपोलो एंड डेफनी किसकी मूर्ति है? अपोलो एंड डेफनी बर्निनी की मूर्ति है। यंग ओमेन विद वाटर जग कौन है? जॉन वर्मियर का है। नवशास्त्रीयतावादी का चित्रकार कौन है? डेविड है। एमिल नोल्ड किससे संबंधित है? जर्मन अभिव्यंजनावाद से। और उसके बाद देखेंगे द किस मूर्ति किससे संबंधित है? तो द किस मूर्ति रोडिन से है। द किस कौन है? रोडिन किस है, किस रोडिन से संबंधित है? रोडिन है। इसके जंगलवादी चित्रकार कौन है? हेनरी मॉटिस है। दो वकील किसकी कृति है? दो वकील है धोमी की कृति है। फ्रांज मार्क किससे हैं? अभिव्यंजनावाद से हैं। लिविडो थ्योरी किसकी है? सिगमंड फ्रायड की। ये सिगमंड फ्रायड हैं, इनकी ये थ्योरी है सिगमंड फ्रायड की। तो इस तरह आप देखेंगे विलियम ब्लैक किस बात से जुड़े हैं? तो विलियम ब्लैक जो है आपके रोमांसवाद से जुड़े हुए कलाकार माने जाते हैं। तो आपने सब देख लिया इसमें। इस तरह ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, इनको इस तरह अगले प्रश्न की सीरीज हम फिर से देंगे। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।